हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही यूज़फुल वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पुराने सॉक्स ले लिया और इस सॉक्स को हम बीच में से काट लेंगे। तो इस तरह से इसे बीच में से काट लेना है। काटने के बाद सॉक्स की हम पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। तो इस तरह से इसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लेना है। ऊपर जो रबर वाला हिस्सा है ना, उसे हमें नहीं काटना है। तो इस तरह से इसकी पतली पतली पट्टियाँ काट कर तैयार कर लेंगे। जो दूसरा सॉक्स है उसे भी काट कर उसकी भी इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। तो दूसरे सॉक्स को भी मैंने इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है। और दूसरे सॉक्स को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। फिर एक कोई भी ब्रश ले ले, मैंने यहाँ पे पुराना ब्रश ले लिया। ब्रश के ऊपर सॉक्स को इस तरह से घुमाते हुए लगा लेंगे। सॉक्स लगाने के बाद एक रबर बैंड ले ले और रबर बैंड को इस तरह से इसके ऊपर लगा ले। आप चाहे तो इसे धागे से भी अच्छे से बांध सकते हैं। तो इसे मैंने रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लिया है। रबर बैंड लगाने के बाद ये इस तरह का बनकर तैयार हो गया। तो ये छोटा सा डस्टर बनकर तैयार हो गया है। इससे आप बहुत ही अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टूल को आप जरूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह ना आप बहुत ही अच्छे से इससे सफाई कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक करें। अगली टिप है धनिया को लेकर। तो जब भी हम धनिया का पत्ता तोड़ते हैं तो इसे एक एक करके तोड़ने में ना बहुत ही टाइम लगता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आई हूँ। आप क्या करें, जब भी धनिया का पत्ता तोड़ना हो, आप इस तरह का ना चम्मच ले ले। इस तरह का जो छेद वाला चम्मच आता है ना, वो चम्मच ले ले और इसके अंदर धनिया को इस तरह से डाल दे। इस तरह से डालने के बाद फिर आप धनिया को खींचेंगे ना, तो इसके पत्ते बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से ना बहुत सारे धनिया के पत्तों को आसानी से निकाल सकते हैं और इसे निकालने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगला जो आइडिया है वो बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे मैंने मेटल की चूड़ियाँ ले ली। इस तरह की जो मेटल की चूड़ियाँ आती है, हम क्या करते हैं, जूनी होने के बाद इसे फेंक देते हैं। लेकिन आप इसे फेंकें ना, आप इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और एक हैंगर ले ले, चूड़ी को क्या करेंगे इस तरह से ना, इससे पहले दबा दें। तो इस तरह से चूड़ी को दबा लेना है। दबा के इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इसे सीधा करने के बाद फिर इसे इस तरह से मोड़ लेना है। तो दोनों किनारों से ना इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। तो इसे क्या करना है, एस शेप का बना लेना है। इस तरह से एस शेप का बना लेंगे। तो इस तरह से ना इसे हुक जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक और मैं आपको बना के बताती हूँ। चूड़ी को पहले इस तरह से दबा ले। दबाने के बाद इसे ना इस तरह से सीधा कर लेना है। अगर ये हाथ से सीधा नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, एक पकड़ ले ले और पकड़ से ना इस तरह से इसे अच्छे से दबा दें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरह से मैंने पकड़ से इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसे हाथ से इस तरह से मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हाथ से मोड़ लेना है। अगर हाथ से नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इसे पकड़ से मोड़ लें। तो ये थोड़ा हाथ से नहीं मोड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पकड़ ले ली और पकड़ से इसे इस तरह से मोड़ लिया। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इस तरह से ना इसे एस शेप का बना लेंगे। तो ये ना अब बहुत ही अच्छा हुक बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी हुक को बनाकर तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद फिर इसे लगाएंगे हम हैंगर में। हुक को इस तरह से हैंगर में लगा लेंगे। इस तरह से हैंगर में लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से टाइट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक पकड़ ले ले और पकड़ से इस तरह से इसे अच्छे से टाइट कर ले। तो पकड़ से टाइट करने के बाद ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगा। तो इस तरह से ना अच्छे से इस पर लग जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी लगाएंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद फिर इसे आप क्या करें, पकड़ से अच्छे से टाइट कर ले। तो पकड़ से टाइट करने के बाद क्या होगा ना, जहाँ पे आपने इसे लगाया है ना, वहीं पे ये लगा रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हुक को लगा लेना है। तो इसी तरह हम सभी हुक को लगा लेंगे। सभी हुक को मैंने इसके ऊपर लगा लिया और आप देख सकते हैं दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसे आप किचन में लगा सकते हैं या फिर आपको जहाँ भी इसे लगाना हो आप लगा सकते हैं। हैंगर को इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। कपड़े हैंग करते समय हैंगर अगर इधर उधर हिल डुल रहा है तो आप क्या करें, डबल टैप ले लें और डबल टैप को थोड़ा सा काट कर इस तरह से हैंगर के पीछे लगा लें। और लगाने के बाद फिर आप इसे इस तरह से चिपका लें। तो दोनों साइड इस तरह से डबल टैप को लगा लेना, फिर चिपका लेना है। इससे क्या होगा ना, कपड़े हैंग करते समय ये इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं। फिर आप इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इसे आप अलमारी में या दरवाजे के पीछे जहाँ आपको लगाना हो इस तरह से लगा सकते हैं और इसमें बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ आप किचन में भी कर सकते हैं। इस तरह से किचन में कप चम्मच वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं और ये दिखने में भी सुंदर दिखता है। तो आई होप ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।
अगली टिप इस तरह की चूड़ी को लेके, तो इस तरह की चूड़ी जब जूनी हो जाती है या फिर छोटी पड़ने लगती है, हम क्या करते हैं इसे फेंक देते हैं। लेकिन आप इसे फेंक के ना, आप ना इस तरह से इसके अंदर चश्मे को लगा के फिर चूड़ी को आपको जहाँ लटकाना वहाँ पे लटका ले। इससे क्या होगा ना, जब भी आपको बाहर जाना रहेगा ना, चश्मा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आई होप ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।